रेडी सर। एक चीज पूर्वी बेन ने मुझसे कही थी कि आप आइएगा तो फ्रस्ट्रेशन के बारे में बात करें। फ्रस्ट्रेशन यानी निराशा, हताशा, ठीक है। निराशा और हताशा यदि डेवलप होती है तो क्यों होती है? हम कोई एक लक्ष्य को निर्धारित करते हैं और लक्ष्य को निर्धारित करने के बाद उस लक्ष्य को हासिल करने के लिए गतिशील होते हैं या उसके लिए हम बार बार प्रयास करते हैं। और मित्रों, कभी भी कोई भी सफलता पहले प्रयास में नहीं मिलती। पहला प्रयास किया फेल, दूसरा प्रयास किया फेल, तीसरा प्रयास किया फेल, चौथा प्रयास किया फेल, और हो सकता है आप पांचवें प्रयास में भी फेल हो। लेकिन जब आप पांचवें प्रयास में फेल होते हैं तो मन में कुंठा जागृत होती है और आपको लगता है कि ये काम मेरे से नहीं होगा। और जब आपको लगता है कि ये काम मेरे से नहीं होगा तो आप क्या करते हो? इरिटेट होते हैं, ठीक है। मेरे को मेरी सखी मिली उसको भी गाली दे दी, मम्मी पापा मिले उनको डांट दिया, भैया मिले उसको पकड़, छोटा भैया को पकड़ के चाटा लगा दिया, अधिकार है मेरा, ठीक है। दीदी मिली उसको गुस्से जमा दिया, बात नहीं करना मेरे से, मेरा मूड खराब, ठीक है। अल्टीमेटली ऑल दीज काइंड ऑफ फेलियर्स लीड्स टू द फ्रस्ट्रेशन। और फ्रस्ट्रेशन के बाद क्या होती है कि हमारी उम्मीदें कम। मित्रों, मैंने आपको बताया मैंने प्री मेडिकल टेस्ट दिया मध्य प्रदेश में क्या सिचुएशन है थी। हायर सेकेंडरी करो, हायर सेकेंडरी के बाद प्री मेडिकल टेस्ट में अपियर हो, प्री मेडिकल टेस्ट में 5 चांस मिलते हैं, अब 5 साल तक लगातार दे सकते हैं, सेलेक्ट हो गए तो हो गए, ठीक है। हमारे यहाँ सिस्टम चलती थी आदमी पहला ट्रायल के लिए देता कैसी एग्जाम, क्योंकि उस साल उसने हायर सेकेंडरी पास की होती है तो MCQs पढ़ने का टाइम नहीं, ठीक है। दूसरे साल घर पर बैठता है, तैयारी करता है, कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन करता है, जो भी जैसे भी पढ़ना है उसको, फिर वापस अपियर होता है बड़ी आशा के साथ, इस साल मैं निकल जाऊँ। निकला तो ठीक, नहीं निकला तो जो नहीं निकले हैं उसमें से 80% जो प्रतिभावान छात्र हैं बीकॉम ले लेते हैं कॉमर्स, और कॉमर्स फाइनल करने के बाद CA के कोर्स में एंट्री, और 3 साल के बाद CA। ये हमारे यहाँ का एक ट्रेड पेडिशन। मेरा एक दोस्त हुआ करता था विकास जैन, उसके बड़े भाई ने 3 बार PMT दी, 3 बार फेल हुआ, शहर का सबसे बड़ा चार्टर्ड अकाउंटेंट, ठीक है। वो उस समय की बात कर रहा हूं, अपने आप की तुलना मत करना, ठीक है। मेरा दोस्त विकास जैन जिसका नाम, मेरे से वैसे ही उम्र में 1 साल बड़ा था, साहब 5वीं बार जब उसने PMT दी तब जाके वो सेलेक्ट हुआ, उसने उम्मीद। तो मित्रों, मैं आपसे यही कहना चाहता हूं कि यदि फ्रस्ट्रेशन से दूर रहना है तो कभी भी उम्मीद मत छोड़ो, हमेशा निष्ठावान बनो। कोई आवश्यकता नहीं कि सफलता पहली बार में ही प्राप्त हो, मैं तो कहता हूं कि फेलियर जिंदगी में होने चाहिए। फेलियर्स उसी के होते हैं जो प्रयास करता है, और जो फेलियर के डर से प्रयास न करे वो खाद जिंदगी को जिएगा। इसलिए फेलियर्स होना ही चाहिए, क्योंकि फेलियर्स आपको आगे बढ़ने का रास्ता दिखाते हैं, ठीक है। सो डोंट लूज द होप, बी फेथफुल। मित्र, छोटी सी बात बता दू, सन 1988 आर्जेनिया शहर, उसमें कपल रहता था, उसका नाम था सैमुअल एंड डैनियल। उस कपल का एक बच्चा था, उसका नाम था साइमन। वो बच्चा जैसे ही 5 साल का हुआ, उसके माँ बाप ने उसको एक अच्छी सी स्कूल में दाखिला दिया, और जब स्कूल का पहला दिन, मित्रों हम जो जिस इमोशंस के पूल से बंधे हैं ना, यहाँ मार के ना, लेकिन ये बात हमें गलत पढ़ाई गई है, हमारी तुलना में विदेशी लोग हमसे ज्यादा इमोशनल, हम उतनी केयर नहीं लेते जितनी केयर वो लिया करते। ये बात अलग है कि जब आप मैच्योर हो जाओ तो आपको अलग भी छोड़ देते, इसीलिए हम कहते हैं कि उनमें इमोशंस नहीं, लेकिन हमसे ज्यादा इमोशनल वो लोग। तो जब उसको स्कूल भेजने की बारी आई, बच्चे को तैयार कर दिया गया, बस्ता हाथ में बस्ता ही होगा, पता नहीं हूँ, हाथ में किताबें नहीं चलती, ठीक है। तो उसको जब घर से विदाई होने वाली थी स्कूल जाने के लिए, पहले मम्मी ने विदाई दी, फिर पापा जमीन में बैठे, उसके माथे को चूमा, माथे को चूमकर उस बच्चे को बोला, बेटा तुम जाओ अच्छे से पढ़ो, तुम चिंता नहीं करना, मैं तुम्हारे साथ हमेशा। बच्चे का मन कितना कोमल होता है आप भी जानते हैं, बच्चे ने मन को मैं बात बैठा ली, बच्चा स्कूल जा रहा है। मित्रों, स्कूल में गया, उसके कुछ देर के बाद उस आर्मेनिया शहर के अंदर इतना जबरदस्त भूकंप आया कि कुछ भी नहीं बचा, और यह स्कूल आर्मेनिया शहर के सेंटर में से।
आप उस माँ और उस बाप के दिल की कल्पना करिए जिसका बच्चा पहले दिन स्कूल गया, उसका बाप फटाफट भागते हुए उस स्कूल तक पहुंचा, उसका घर काफी दूर था, जब तक वो वहां पहुंचे बहुत सारे पेरेंट्स पहुंच चुके थे और सभी पेरेंट्स ने वहां का सिस्टम है एक फोटो लेने की, बच्चे की फोटो रखी, अगरबत्ती जलाई, मोमबत्ती जलाई, लेके बैठ गए प्रेयर के। इस बंदे ने पहुंच के एक टीचर को ढूंढा, टीचर को ढूंढने के बाद पूछा कि भाई ये फलाना नर्सरी क्लास किस जगह लोकेटेड थी, क्योंकि उसने देखा पूरी बिल्डिंग धराशायी हो चुकी है, खाली रेत का मलबा और कुछ भी नहीं, इसका मतलब सब कुछ अंदर, और सब जिसको देखो वो मंत्रों की जाप कर रहा है, वो ईसा मसीह की प्रेयर कर रहा है और यही सब चीजें चल रही है। तो उसने लोकेट किया उस जगह को कि नर्सरी क्लास कहाँ होगा, लोकेशन मिल गई, लोकेशन मिलने के बाद देखा तो वो बिल्डिंग से बड़े बड़े स्लैब आके उस जगह पे गिरे हुए थे। उस बंदे ने कुछ नहीं किया, ना कोई प्रेयर की, ना कुछ फोटो निकाला, कुछ भी नहीं, वो गया जाके जोर लगाने लगा वो पत्थर को वहां से हटाने लगा। लोगों ने बोला कि तो बहुत अनस्टेबल सिचुएशन है, क्योंकि आप लोग ने सबने अनुभव किया ना, अर्थक्वेक के बाद ट्रेमर्स चालू ही रहते, तो भाई ट्रेमर्स चालू भैया और कुछ गड़बड़ हो जाएगा, तुम अंदर घुस जाओगे, बट वो नहीं बना। उसने हिम्मत करके जब बड़ा स्लैब नहीं निकला तो छोटे छोटे पत्थर उठा के अलग रखना चालू किया। बहुत सारे पेरेंट्स आए समझाने, क्या मूर्खता कर रहे हो, छोड़ दो, वो तो गया है, तुम भी चले जाओगे, इस बिचारी का क्या होगा, बट वो कहें नहीं, आई वॉन्ट टू ट्राई। इसके बाद उसने आस पास लोगों को हाथ जोड़कर मदर की गुहार की कि प्लीज आओ, मेरा हाथ बटाओ, इस तरह हार नहीं मानेंगे, नहीं, लेकिन कोई नहीं आया, क्योंकि अपनी जान सबको प्यारी है। लेकिन वो बेचारा, उसने हिम्मत नहीं मारी, उसने उम्मीद नहीं छोड़ी, पूरा दिन निकाल दिया उसने, जितना उठा सकता था उतना उठाया, रात को घर से जाकर टॉर्च ले आया, टॉर्च ले जाकर भी उसने वो चालू किया, बिल्कुल निकालता गया, जितना 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 निकाल सकता है उतना निकालने की कोशिश की। अल्टीमेटली दूसरे दिन शाम को, आज का दिन निकल गया, आज की रात निकल गई, दूसरे दिन सुबह उसकी बीबी नाश्ता लेके आई, नाश्ता खाता गया, धूल और जो जो वो हटा सकता है अपने हाथ से वो हटाया। एक पड़ोसी ने देखा, उसको बड़ी डर आई, उसने लाके फावड़ा दिया, उसने फावड़ा से निकालना चालू किया जितना निकल सकता था। वो इतना ख्याल रखता था कि वो बाहर निकाले उस समय ये जरूर देखे कि अंदर कुछ न चला जाए, और उसने ये सब कुछ करके पहले एक छोटा सा छेद बनाया, सो दैट एयर स्टार्ट्स गोइंग इनसाइड। वो करने के बाद दूसरे दिन सुबह निकल गई, दोपहर को खाना बीबी ने अपने हाथ से खिलाया, उसका काम चालू था, थक गया, पसीने आ रहे हैं, एक जना पानी की बाल्टी भर के लाया, उसके पूरे शरीर को उड़ेल दिया, सो दैट ही फील्स कूल एंड स्टार्ट डूइंग वर्क, क्योंकि तब तक लोगों ने उसके समर्पण के भाव को मान लिया था, सबको पता था अंदर मृत देह पड़े हैं, डेड बॉडीज पड़ी, कोई मतलब नहीं, लेकिन यदि कोई बंदा इतनी मेहनत कर रहा है तो उसके उत्साह का वर्धन करो, उसको निगेटिविटी में न डालो, ये समझ भगवान जाने कहां से ऐसे विपत्ति के समय में लोगों के मन में आया, किसी ने हाथ तो नहीं बढ़ाया, लेकिन उस बंदे को काम डाउन करने की कोशिश की। रात को 9 बजे उस बंदे ने आवाज सुनी हल्की सी, हेल्प मी हेल्प मी, उस बंदे की पांचों इंद्रियां जागृत, चिल्लाने लगा, उसने सबको बुलाया आओ मेरी मदद करो, लेकिन लोग तो उसको पागल समझ रहे थे, Nobody came forward, although they consoled him। इसके बाद उसने और मेहनत की तो जाकर अंदर हाथ डाला तो एक हाथ बाहर आया, और हाथ में उसने जाते समय बच्चे के हाथ में एक राखी जैसा कुछ सूत्र बांधा था, उसको वो सूत्र दिखा, then he identified कि लकली ये तो मेरा ही बच्चा है। उसने उस बच्चे का नाम बोला तो उसने कहा हाँ पापा मैं ही हूं, क्या बेटा तुम बाहर आओ, नहीं बेटा पापा मैं नहीं आऊंगा, मेरे साथ 14 दूसरे लड़के हैं, सब लड़के बराबर है, क्यों, क्योंकि एक स्लैब आके उनसे ऊपर आके रुक गया, नीचे वो लोग सब ले लिए, मेरे साथ 14 लड़के हैं। उसने लोगों को बुलाया, दिखाया, अब लोग समझे, जब लोग समझे तो फिर सबने मदद की, उन लोगों ने एक रास्ता क्रिएट किया, उस रास्ते से 13 लड़के एक एक करके बाहर आए, और 14वें लड़के के लिए इसने हाथ बुलाया, क्योंकि ये उसका खुद का लड़का था, उसने उसको बाहर निकाला, बाहर निकला लड़का आके उससे चिमट गया, पापा देखो मैंने इन सबको बोला था कि मेरे पापा ने जाते समय
मुझे कहा था कि बेटा चिंता नहीं करना, मैं तुम्हारे साथ हमेशा रहूंगा, आप आ गए। मित्रों ये सत्य हकीकत है, ये सत्य हकीकत है, लेकिन इससे हमको और आपको केवल यही सीखना है कि वो एक उम्मीद पे दुनिया का है। उस बंदे को उम्मीद थी कि मेरा बच्चा मुझसे दूर नहीं हो सकता, वह जिंदा ही होगा, और अल्टीमेटली अपने उम्मीद के सहारे उसने श्रम को अंजाम दिया और अल्टीमेटली वह कर दिखाया जो किसी के लिए भी अकल्पनीय था। सर समय कितना होगा, आखिरी बात कहके विराम लूंगा। मित्रों एक बात और कि हम उस दुनिया में रहते हैं जहां पर यदि हम किसी की मदद करें तो लोग हमको कभी नहीं, इसीलिए हम ऐसा कहते हैं कि यदि कुछ भी करना है, जिंदगी का कोई भी आयाम बनाओ। सभी सच्ची बोलता हूं, शायद आपको अभी यह बात झूठ लगेगी, बट आज की दुनिया में पैसे कमाना बहुत आसान है, आपको काम करने की धमक है, कुछ भी काम कर सकते हो। आज की तारीख में तो हेयर कटिंग सैलून चलाना भी एक अच्छा कार्य है, और एक फोटो, एक जमाना हुआ करता साहब हमारे यहाँ फोटोग्राफर के लिए लड़की ढूंढने जाओ कोई लड़की वाला लड़की नहीं देता, और आज की तारीख में फोटोग्राफर हाई डिमांड में है, दिन के कम से कम नहीं तो 400 फोटो खींचता है, उसमें से आधे तो फेसबुक पर डालने पड़ते हैं, इसलिए उनकी डिमांड बढ़ गई है क्योंकि मीडिया का जमाना आ गया है। ठीक है, तो आज की तारीख में ऐसा कोई भी व्यवसाय नहीं है जो नीचा समझा जाए, और यही होना चाहिए, कोई व्यवसाय नीचा होता ही नहीं, इसलिए पैसा कमाना बहुत आसान है, लेकिन यश कमाना, दोस्ती कमाना, रिश्तों की नाजुकता कमाना उतना ही मुश्किल हो जाता है। इसीलिए कहता हूं मित्रों कि हमेशा समय आने पर दूसरों की मदद करो। ठीक है, एक वाक्य बताता हूं, आप में से आधे लोगों को पता होगा, जिनको पता होगा चुप रहना, मेरे को भूल लेते। हुआ यूं मित्रों कि अभी तो कच्छ में खुल गया है पासपोर्ट ऑफिस, पहले पासपोर्ट ऑफिस यहां नहीं था, हमें पासपोर्ट बनवाने के लिए या तो राजकोट जाना पड़ता था या तो अहमदाबाद, तो मैंने तो पासपोर्ट निकाला हुआ था, मेरे को सब पता था कैसे क्या करना है, और हमारे यहाँ तो सर ये चलता है कि यदि तुमको पासपोर्ट बनाने जाना है तो मैं तेरा मित्र हूँ तो तुमको तो अकम्पनी करूंगा, क्योंकि मुझे पता है मैं तुमको गाइड करूंगा, तुम्हारा काम फटाफट हो जाएगा। और उस बंदे को दुबई जाना था 6 दिन के अंदर, सो ही वॉन्टेड अर्जेंट पासपोर्ट, और हमारे यहाँ सरकार की प्रक्रिया है कि पैसे दे दो तत्काल भी हो जाएगा, तो तत्काल पासपोर्ट के लिए मैं उसके साथ गया, एप्लीकेशन की पूरी फॉर्मेलिटीज कर ली। अब फॉर्मेलिटीज पूरी करते करते वो बिल्कुल 2 बजे का टाइम आ गया, लाइन में खड़ा हुआ था, मेरा नंबर 6वां था, मतलब मेरे मित्र का नंबर 6वां था, साथ में मैं सीना तान के खड़ा था, इतनी जल्दी काम करवा दिया, बस 6 नंबर के बाद खत्म हो जाऊंगा, जोश जोश में भूल गया कि 2 बजे। जैसे 2 बजे घंटी बजी, साहब ने दरवाजा बंद किया, खिड़की, लंच टाइम, मैं गया उसके पास। साला तकलीफ ये है कि हम जैसे लोग अपने आप को हीरो से कम भी नहीं समझते। मेरे को लगा बातों में फुसला लूंगा, मैं गया उसके पास जाके, साहब ठेक कच्छ थी आ गया थी, मैंने ये और फेंकी, साहब हूँ सर्जन छू, सांझे ऑपरेशन राखेलो छे, जहाँ नहीं पहुंचू तो आम थी जैसे दिन थे जैसे, वो का है को वो तो बिल्कुल वो सरकारी बाबुओं की एक विशेषता हो गई, पता नहीं घर में बीबी लड़के भेजती है, बच्चे परेशान करके भेजते हैं, क्योंकि जब भी जाकर वो टेबल में बैठते हैं ना मुंह चढ़ा रहता है, वो सुनने को तैयार नहीं बिल्कुल, ना साहब बेवाकी क्या छे, तमारे आवू तो पहला आवू जो ये हमारे शु काम नहीं हो, तू तमारे जो आमच करवू छे तो सरकार ने को बीजा बेचार राखी दे, बड़ा दंग रहेगा सर को, हाँ तो गांधीधाम में सब सलाम करते हैं, अहमदाबाद में पूछने को तैयार नहीं। तो ठीक है, फिर मैंने क्या किया, मैंने देखा सी अभी लोहा गर्म है, कुछ नहीं हो सकता, और उस दिन क्या था, वो शनिवार था, दोपहर को 2 बजे के बाद पेमेंट नहीं लेने का, हाफ टाइम था, हाफ टाइम के बाद बंद, तो अब उसके लिए मंडे वापस आओ। अब उसको तो बोल दिया श्रीमान जी को कि आपके साथ आऊंगा, तो मेरे को तो फिर मंडे भी आना पड़ेगा, मंडे सबसे ज़्यादा हैवी ओपीडी होती है। तो फिर मैंने क्या किया कि वो देखा, वो धीमे धीमे गया, फॉलो किया, वो कैंटीन में से डब्बा ले आया था, डब्बा खोला और लेके बैठ गया टेबल पे, खाने लगा, उसके आजू बाजू कोई नहीं, बाकी सबके साथ दो दो लोग बैठे हुए, उसके साथ कोई नहीं, साहस जुटाई, उसके पास गया, साहब बीसी जाओ,
हाँ सर तुम्हारी कुर्सी से बेसो ले, बैठ गया, बैठ के थोड़ी देर उसको देखता रहा, अकेले अकेले खा रहा है। धीमे से पूछो, साहब एक रोटी मुँह लाऊं? हाँ हाँ साहब लो। अब इसमें तो आइए, हमारे देश की विशेषता है, अन्न के लिए कोई मना नहीं। उससे रोटी ली, उसी की सब्जी में डूबो के अपन ने भी खाना चालू किया। फिर धीरे से बात जब देखा कि अभी थोड़ा सा पारो ठंडो पड़ी, फिर मैंने उससे धीमे से बात की कि साहब तुम्हें तो केटली महत्वपूर्ण जगह में बैठा छो, तमने वो नहीं लगत तुम्हारे थोड़ो नरम हो जो ये बीजा की पीड़ा समझ गई जो ये। डर लग रहा था कि अभी साला भड़क जाएगा, मैं उसको उपदेश दे रहा हूँ, मेरे को तो एक दिन चिंता हो रही थी, नरम हो जो ये तमने वो नहीं लगत। ना ना साहब सरकारी समझू जो ये एकला ऊपर केटलो बोझो लगा। हाँ तुम्हारी बात 100% साची, पर साहब तुम्हें नहीं लगता भी तुम्हें साहब एकला छो जो ओलाना साथे त्रण जना बैठा छे, आना साथे बे जना बैठा छे, तमे याकने एकला बैठा छो, जो तमे आवुज करसो ने तमारो जो व्यवहार आवुज रहेसे तो तमारा बैरा छोकरा बधा कंटाळी जशे। अरे ये बात बोली उसका सीन खड़े हो गया, बिल्कुल भावुक हो गया वो। तो साहब तुम साचू क्यों छो? मैं क्यों साहब मारी छोक मारी बैरी तो मारा स्वभाव थी कंटाळी ने पियर जती रही छे, एना साथे छोकरा आला गया, મારી એક દુખલી માં બિચારી મારા સાથે છે, ચાર રોટલા ઘડી દે છે, એ ચાર રોટલા લઈને હું ઓફિસે આવું છું, એના કારણે મારો સ્વભાવ આવો થઈ ગયો। તો મેં કીધું સાહેબ તમે આટલી મહત્વપૂર્ણ જગ્યા ઉપર બેઠા છો ને આ જગ્યા ઉપર બેસીને આપણે સંબંધો બાંધવાના હોય, સંબંધો બગાડવાના ન હોય। ને એક વાર ઉસ સમય મેરા યે ઓરેટર વાળા જો લેજા ને વો જાકત ઉઠવા, તો મેંને ઉસકો યે બોલા, મેં કહ્યું આ જગ્યા ઉપર બેસીને જો તમને સંબંધ બાંધશો તો જિંદગીમાં સરળતા આવશે ને એ સરળતા તમને ઘણી જગ્યાએ મદદ કરશે। તો ઉસકો થોડી થોડી વાત હજમ હુઈ હો એસા લગા। ફિર મેને ઉસસે બોલા સાહેબ અર્ધી રોટલી હજી લઈ લો। તો કે સાહેબ આજ સુધી મારી થાળીમાંથી કોઈ જમ્યું નથી। મેં કીધું સાહેબ હું એટલે જ જમું છું કે એટલે જ તમે મને મારા લાગો છો। તો ઉસ તરહ કી વાત કરતે કરતે મેને ઉસકે સાથ ખાના ખાયા। खाना खाने के बाद जैसे ही खाना खत्म हुआ उसने बोला साहब बीजा माड़े चौथिया ऑफिस में मारू केबिन छे, तमे त्याकने आवी जाओ, तमारा मित्र नी फी हूँ भरी दू। मैं कीधु साहब एक बीजो रिक्वेस्ट करीश के क्या साहब आ तमारा हाथ में छे के तमारे केटला संबंधों बांधवाना ने केटला संबंधों बगाड़वा। तमने लागे छे के सरकार तमारी जग्याए बीजा माणसने नियुक्त कर दे, बीजा तमारा जेवा त्रण ने, जो सरकारे बीजा तमारा जेवा त्रण नी नियुक्ति इस ऑफिस में करी दी थी तो आपको कोई नहीं पूछेगा, आपकी वैल्यू कम हो जाएगी क्योंकि आपका जैसे काम करने वाले चार लोग पैदा हो जाएंगे। बात उसको समझ में आए? इसलिए इसलिए हो सके तो जितना कर सको लोगों के साथ अच्छा व्यवहार करो, उनके साथ संबंध बनाओ और सोचो इससे आपकी जिंदगी कितनी परिवर्तित हो सकती है। मैंने अपना काम कराया, मैं वापिस चला आया, जाते समय उस बंदे ने मुझसे मेरा टेलीफोन नंबर, मैं चला आया, मैं उस बाकी को भूल गया, कुछ याद नहीं। 8 साल बाद मेरे मोबाइल में अननोन नंबर से कॉल आया, मैंने वो कॉल उठाया, साहब पहचाना मुझे? नहीं साहब मैं आपको नहीं पहचानता, मैं प्रवीण भाई सोलंकी, आप मेरे मित्र के साथ पासपोर्ट ऑफिस में आए थे। हाँ मेरे को एकदम से याद आया, बिल्कुल आपने मुझे परेशान किया था। हाँ साहब मैं वही वाला सोलंकी बोल रहा हूँ जिसके साथ बैठकर आपने रोटी खाई, मेरे को बिल्कुल याद आया। साहब आपने बोला था घर जाके सोचना, मैं घर गया, मैंने बहुत सोचा, जब मुझे कुछ समझ में आया मैं सीधे अपनी बीबी के मायके में, बीबी में मायके के पास जाकर मैंने बीबी को बोला चल तुमको मेरे साथ घर चलना, क्या मेरी बीबी नहीं मानी। वो खाना खाने बैठी, मैं उसके साथ उसकी थाली में खाना खाने बैठ गया, उसकी थाली से मैंने रोटी उठाई और सब्जी के साथ खाने लगा। क्या जिंदगी में पहली बार मैंने अपनी बीबी की आंखों के अंदर नमी का एहसास किया। और जैसे ही खाना खत्म हुआ मेरी बीबी ने मुझसे ये कहा कि तमे चालो हूँ आऊँ, आप चलिए मैं आपके पीछे आ। और क्या वो दिन है और आज का दिन है कि मेरी माँ, मेरे बच्चे, मेरी बीबी सब न सिर्फ मुझसे प्रेम मानते हैं लेकिन मैंने संबंधों की ऐसी खेती उत्पन्न की है कि आज यदि मैं मर जाऊं
तो मेरी अर्थी को कंधा देने के लिए कम से कम 1000 की भीड़ आएगी। और साहब ये सिर्फ आपके और आपके द्वारा दी गई सीख के कारण संबंध हुआ। तो मित्रों यह तो एक छोटी सी मदद थी, मैंने शायद 4 शब्द कहे, उसका मूड अच्छा था, उसने मेरी बात सुन ली और संबंधों की खेती उसने की। हमको और आपको रोज न जाने कितने अवसर इस तरह के प्राप्त होते हैं, तो हम और आप भी मिलकर यदि इस तरह संबंधों की खेती करेंगे, इस तरह के बीज बोएंगे, तो शायद आजकल तो लोगों की अहमियत इस बात से गिनते हैं कि उसकी अर्थी को कंधा देने कितने लोग आए, अभी तो उसमें भी कंपटीशन चल रहा है। वो दिन भी आने वाला है सर, मैं मरने के 3 महीने पहले एक अच्छी सी फोटो खिंचा के बेटे को बुलाऊंगा और बोलूंगा ये फोटो शोक समय में FB पे यही फोटो जाए, जस्ट टू मेक इट अ लाइटर। मैंने ये बात कही, लेकिन सीधी सीधी बात ये है कि संबंधों की खोती होना बहुत जरूरी है। मित्रों हमेशा याद रखना, कितनी भी विकट परिस्थिति क्यों ना आए, यह मत भूलना कि यह मेरा देश है, यह मेरी भूमि है, इसके विकास के लिए हम जो कुछ कर सके, लाखों विसंगतियों के बावजूद किसी ने हमें कुछ दिया हो ना दिया हो उसके बावजूद, और यह बात अवश्य है कि यदि हम यहाँ पले बड़े हैं तो इस धरती का, इस माँ का ऋण हम पर चढ़ चुका है। जो भरा नहीं है भावों से, जिसमें बहती रसधार नहीं, वह हृदय नहीं है पत्थर है, जिसमें स्वदेश का प्यार है। इसलिए मित्रों हमारे इस देश को आगे बढ़ाना हमारी और आपकी जवाबदारी है। मित्रों हमेशा कोशिश है, मैंने आपसे पहले भी बोला, आपसे फिर बोलता हूं कि हमेशा कोशिशें करते रहना, उम्मीदें जगाता रहना, क्योंकि सुर्खरू होता है इंसान ठोकरे खाने के बाद, सुर्खरू सफल सुर्खरू होता है इंसान ठोकरे खाने के बाद, और रंग लाती है हिना पत्थर पे घिस जाने के बाद। इसलिए मित्रों आवश्यक है ये कि हम तब तक मेहनत करें जब तक सफलता आकर हमारे पैर न चूम ले, क्योंकि असफलता तो जानवरों को भी मंजूर नहीं, हम तो फिर भी इंसान हैं। अंत में हर बार की तरह अपनी यह 4 पसंदीदा लाइनें कहूंगा कि हो गई है पीर पर्वत से पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए, मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही, हो कहीं भी आ लेकिन आ। और अंत में कलाविद हूं न कविता का, विचारों का प्रचारक हूं, सदा से हो रही भीतर उसी क्रिया का कारक हूं, अकेले गर्व करने का यही बस एक कारण है, जहां उगता सदा चंदा वहां का एक कारण।